देखिए, कल पब्लिक मीटिंग थी, उसमें हमारे पार्टी के सदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा कि हमारा मेयर था यहाँ पर, 3 साल से उनका मेयर था, तो स्लॉटर हाउस का मॉडर्नाइजेशन हुआ है। उन्होंने कंपैरिजन दिखाया कि बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र में आकर ऑलरेडी बीफ तो बैंड था ही, साथ में बुल्स एंड बुलक्स पर भी रोक लगा दिया, उस पर खाने पर भी पाबंदी हो गई, जिसकी वजह से दलित्स और मुस्लिम्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आज भी 7.5 से 8 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो अगर बलदिया के इलेक्शन में उन्होंने ये कहा तो क्या गलत कहा? उन्होंने, आप खुद देखिए दादरी में क्या हुआ, अखलाक के साथ एक शक की बुनियाद पर उसको दिन दहाड़े घर से बाहर निकालकर रस्ते पर लाकर मार दिया गया। तो ये कहा कि टीडीपी और बीजेपी की पॉलिसी है क्या? आकर एक तरफ तो आप बीट को बैन कर देते हो, दूसरी तरफ जली कट्टू जैसा जो खेल है स्पोर्ट्स, उसमें यूज करते हो, टॉर्चर करते हो आप जानवरों को, तो क्या पॉलिसी है? ये कहने का मतलब था उनका कि हमारे ये जो सरकार है ये मुसलमान दलितों को नुकसान पहुंचाने वाली सरकार है। तो एग्जाम्पल दिया, और जमहूरियत है, जमहूरियत में डेवलपमेंट की बात की, विकास की बात की, क्या कोई गलत बात की? मैं समझता हूँ कोई गलत बात नहीं करी। उन्होंने इलेक्शन का, चुनाव का वक्त अपने ख्याल पेश किए, फैक्ट बताया। महाराष्ट्र में मीरा भयंदर में क्या हुआ, चुनाव के पहले जब कॉरपोरेशन का चुनाव आया, सरकार ने जैन लोग के प्रदूषण पीरियड में मीट खाना बंद करा दिया 3-4 दिन। तो ये डेमोक्रेसी के अंदर आप डिक्टेटरशिप डाल रहे हैं। सरकार की नीति को लोगों के सामने फैक्ट पेश करना कोई गलत बात नहीं है, और लोग जानते हैं क्या किया है बीजेपी सरकार ने, कितने गलत काम किए मुसलमानों और दलितों के खिलाफ। आज फार्मर चाहता है अपना जानवर बेचना, वो बेच नहीं सकता, जानवर बूढ़े हो के मर रहे हैं, तो क्या इसके लिए सरकार ने किया है? ये नीतियों के अगेंस्ट में उन्होंने हैदराबाद में अपने बयान पेश किए। तिवारी जी, आप क्या ये स्टेटमेंट से सहमत रखते हो जो उन्होंने दिया है सबके लोकल पब्लिक के बीच में? बिल्कुल मैं सहमत रखता हूँ उनके स्टेटमेंट से कि जो भी उन्होंने कहा है फैक्ट कहा है, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया है जो एक फैक्ट है, कोई गलत बात नहीं कही है, बिल्कुल फैक्ट है ये। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस पठान जी, F3 न्यूज से बात करने के लिए।